students, we have enjoyed the vacation of lockdown. Now we will start some studies, right? In mathematics unit 1, first is knowing over numbers, and in this unit our first topic is comparing numbers. कंपेयरिंग नंबर मीन्स हम दो जो नंबर्स हैं या मोर नंबर्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं उसमें कौन सा जो बड़ा है या छोटा है. बिटवीन टू गिवन नंबर्स द नंबर हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर हैविंग लेस डिजिट. मतलब जिसमें डिजिट ज़्यादा होते हैं वो नंबर बड़ा होता है, और जिसमें लेस डिजिट होते हैं वो छोटा होता है. इफ द टू नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट, अगर दो नंबर की हम कंपेरिजन कर रहे हैं और उसमें सेम डिजिट होते हैं, देन कंपेयर देयर कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट. तो उसमें से हमें कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट जो होते हैं, हमारा जो वंस प्लेस होता है, उसको हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, हम एक्सरसाइज में इसमें देखते हैं. क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इन ईच रो. हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं फोर, उसमें से हमें इन नंबर्स में से कौन सा बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, मीन्स ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर हमें इच रो में से फाइंड आउट करना है. हियर 382, 4972, 18, 59,785 and 750. ये वन रॉ दी हुई है इसमें और हमें डिफरेंट फाइव नंबर्स दिए हुए हैं. नाउ वी विल कंपेयर द नंबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी काउंट द डिजिट्स. सबसे ज्यादा डिजिट किसमें है, तो यू कैन सी इन 59,785 इसमें सबसे ज्यादा डिजिट है. कितने हैं, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000. इसमें हमारे फाइव डिजिट हैं, तो हमारा सबसे बड़ा डिजिट कौन सा हो जाएगा, हमारा द ग्रेटेस्ट नंबर हमारा हो जाएगा इसमें 59,785, बिकॉज इट इज हैविंग द मोर नंबर ऑफ डिजिट. और अब इसमें से हम सबसे छोटा वाला नंबर देखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसमें सबसे कम डिजिट है. यू कैन सी इन 18 हैज ओनली टू डिजिट, सो 18 इज द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग ओनली टू डिजिट्स. अब आप डिजिट का मतलब समझ गए होंगे कि डिजिट में जो हम नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स में हम काउंट करते हैं कि कितना डिजिट है. सबसे ज़्यादा इसमें 59,000 में फाइव डिजिट है और 18 में हमारे टू डिजिट है. तो इस तरह से पहले हम इजीली और इंस्टेंटली नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड, 1,473, 89,423, 105,000 and 300. अब इसमें हमें पता चल गया कि सबसे बड़ा नंबर हमारा 89,000 है. क्योंकि इसमें फाइव डिजिट है, सब में बाकी में कम डिजिट है. इसमें फोर है, इसमें फोर है और इन दोनों में थ्री है, तो इन दोनों में थ्री डिजिट है. तो अब इसमें हम कंपेयर कैसे करेंगे, तो हम इसमें लेफ्ट से यूनिट जो होता है लेफ्ट से नंबर उसको उसका डिजिट देखेंगे. तो यहाँ पे हमारा हंड्रेड दिया हुआ है, तो वंस वन दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा लेफ्ट से पहला नंबर कौन सा है, 300, मतलब थ्री दिया हुआ है. तो इसमें 300 और 100 में से स्मॉल कौन सा हुआ, 100 हुआ, तो हमारा इस तरह से हम जो नंबर्स है उनको कंपेयर कर सकते हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स थर्ड सॉल्यूशन, 1,834, 75,284, 111, 2,333, 450. अब इसमें हम सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे. सबसे ज़्यादा डिजिट किस में है, 75,000 में, तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर ओवर ग्रेटेस्ट नंबर विल बी 75,284. And now we will compare the smallest number, means we are having 111 and 450 with three digits, right? So we have to look from the left. You can see यहाँ पे 450 में left में पहला number कौन सा दिया है, 4, और यहाँ पे कौन सा दिया है, 1.
तो जो हमारा स्मॉल नंबर होगा वही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा. सो नाउ वी विल लुक टू फोर्थ वन. 2,853, 7,691, 9,999, 12,002, and 124. And then we will see that 124 is the only number that has least number or minimum number of digits. So our smallest number is 124 having 3 digits. Here we have understand how we will compare the number of digits to find the number greatest or smallest. Now find the greatest number and the smallest number. अब हमें वापस वही देखना है, सबसे बड़ा number और सबसे छोटा number, पर इसमें हमें थोड़ा इसका level hard दिया हुआ है. कैसे? Let's we see. You can see the first 4536. 4,892, 4,370, 4,452. 4,000 and 4,000 and 4,000. सब में हमारा क्या दिया हुआ है? 4,000 दिया हुआ है, ठीक है. फिर नंबर ऑफ डिजिट जो हम काउंट कर रहे थे पहले, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. सब में हम जो काउंट कर रहे थे तब देख रहे थे कि अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम लेफ्ट से पहला नंबर देखेंगे. तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट से दूसरा नंबर देखेंगे. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5, यहाँ पे दिया हुआ है 8, यहाँ पे दिया हुआ है 3, यहाँ पे दिया हुआ है 4. अब इससे हम पता कर सकेंगे कि हमारा सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, 8, और सबसे छोटा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3. तो जो ये वैल्यू है हमारी वो हमारी ग्रेटेस्ट और ये वैल्यू हमारी स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगी, बिकॉज 4,892 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा. Smallest number. Now moving ahead, second, 15,623, 15,073, 15,189, and 15,800. Same way here we count 1, 2, 3, 4, 5. All we have all numbers having 5 digits. Now from the first left, first number is 1, 1, 1, and 1. All numbers are having from the left 1, right? Now moving ahead, the second number is also having the same 5, 5, 5, and 5. Now moving ahead, we will see the left side third number. That is, here it is 6, here it is 0, here it is 1, and here it is 8. Right. Now, you can see its 100th place is given here, 15,800. Right. So, 100th place is over greater here. So, our greatest number will be 15,800 is our greatest number.
and the smallest number. स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारा 100 के प्लेस पे हमारा 0 है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा. सो यहाँ पे हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड से जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको हमने कंपेयर करना स्टार्ट किया. तो सबसे पहले हमारा 1 आया वो सब में सेम था, उसके बाद 5 आया वो भी सब में सेम था. तो अब हमने उसके बाद 100 के प्लेस पे जो नंबर है उनको कंपेयर किया और उससे हमने पता किया कि कौन सा नंबर, फाइंड आउट किया कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट है.